बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि एफआईए में जो न्यू जॉब्स आ रही हैं वो कौन कौन सी हैं और कब आएंगी। अपने बहुत से व्यूअर्स ये कमेंट्स करके पूछ रहे थे, मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर पहले तो हमें ये बता दें कि नई जॉब्स एफआईए में कब आ रही हैं, उसके बाद जो पहले हमने अप्लाई किया हुआ है उसका फ़िज़िकल टेस्ट कब होगा। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ ही यही शेयर किया जाएगा। तो इस वक्त आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं के मल्टीपल जॉब्स थी, जेंडर मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एजुकेशन इसके लिए प्राइमरी से लेके मास्टर तक रखी गई होगी जब ये जॉब्स अनाउंस होंगी। उसके बाद जो एज लिमिट है वो 18 से 33 साल होगी। अब अप्लाई का जो प्रोसीजर होगा वो ऑनलाइन होगा, पूरे पाकिस्तान से आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे और जो वैकेंसीज होंगी वो परमानेंट होंगी। अब आपके साथ शेयर करते हैं कि ये कौन कौन सी जॉब्स होंगी जब अनाउंस होंगी। तो इसमें असिस्टेंट की जॉब्स होगी, उसके बाद सब इंस्पेक्टर की, स्टेनोटाइपिस्ट की, यूडीसी, एलडीसी, एएसआई, कांस्टेबल, स्टाफ कार ड्राइवर, चौकीदार, नैब का सद, स्वीपर और कुक। अब ये आप मेरी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि इनके लिए क्राइटेरिया क्या होगा। पहले आप देख सकते हैं एफआईए असिस्टेंट के लिए क्राइटेरिया क्या होगा। अब आप ये मेरी स्क्रीन पर देख लें, या मेरी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं क्राइटेरिया असिस्टेंट के लिए, फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एज है, जो उसके लिए एजुकेशन है वो कितनी होनी चाहिए, फिर स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, उसके बाद यूडीसी के लिए, फिर एएसआई के लिए, फिर एक कांस्टेबल के लिए, फिर एलडीसी के लिए भी आप देख सकते हैं इस वक्त मेरी स्क्रीन पर, फिर नैब का सर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अब आपको ये मेरे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि सर ये जॉब्स कब अनाउंसमेंट हो रही है इनकी। तो व्यूअर्स आपके साथ ये पहले एक नोटिफिकेशन जो इसका वो आया था, तो व्यूअर्स ये एक एनओसी जो जारी किया गया था वो जनवरी फरवरी में जारी किया गया था। तो किसी भी एनओसी की जो मुद्दत होती है 3 to 6 मंथ होती है, 120 डेज होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई लिखा भी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी स्टार्ट इन द मंथ ऑफ जून 2023। तो जून में ये जॉब्स का ऐलान हो जाएगा, तो आप जून में ही इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो व्यूअर्स ये आपके साथ शेयर करना चाहता था, ज़रूरी था, क्योंकि मेरे बहुत से व्यूअर्स ये कमेंट्स पढ़ करके पूछ रहे थे कि सर न्यू जॉब्स कब आ रही हैं। तो इस एनओसी से हमें फिर मालूम हुआ कि ये जो जॉब्स हैं ये एक्सपेक्टेड की जा रही हैं कि जून में ही अनाउंस होंगी, फिर उसी वक्त आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद अपने बहुत से व्यूअर्स पूछ रहे थे कि सर जो पिछली वाली जॉब्स हैं उसमें हम उसका फ़िज़िकल टेस्ट कब होगा। तो व्यूअर्स उसके लिए भी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं है, जैसे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।